बुलबुल भाई क्या बोल रहा है? कैसा पब्लिक एकदम गोइंग टू गुजरात गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये ट्रेन नहीं पकड़ने वाले हम, ये ट्रेन नहीं पकड़ने वाले। दबोई स्टेशन पहुंच चुका है अभी। यहाँ से अभी इंजन चेंज करेगा, इंजन चेंज करके वापस रिटर्न बैक में जाएगा। स्टेशन का नाम क्या है? केवड़िया। फिर यहाँ से हम लोग केवड़िया पहुंचेगा। सो गाइस फाइनली वी हैड रीच्ड द केवड़िया स्टेशन। और यहाँ से लाइक लगभग कितना कितना 12 गवर्नमेंट प्रोवाइड ये फ्री बस है ना। हाँ, और ये स्टेशन का ना बहुत स्पेशलिटी है, ये ग्रीन सर्टिफिकेट स्टेशन है। ओके, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सर्टिफिकेट स्टेशन है। अब इधर का हर चीज ग्रीन इसके हिसाब से, मतलब कोई भी इको फ्रेंडली है। अच्छा, इको फ्रेंडली ग्रीन है सर्टिफिकेट मतलब। इधर ना इधर आप समझ, गाड़ी वॉश हो रहा ना तो उसका पानी भी प्लांट्स को जाएगा। इधर देख हर लाइट्स एलईडी है। ओके, तो सोलर है पूरा, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होएगा सब कुछ। ओके, तो ये वॉश स्टेशन है। ओके, और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बस है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। भाई बस के अंदर का ये बैठा है, एकदम क्लीन बस है। बस सर्विस बाय दी गुजरात गवर्नमेंट। पीस तो कैसा लग रहा है? बस बढ़िया क्लीन ना। यस गाइस, अभी हम लोग का बस स्टार्ट हो गया है। हम लोग 12 मिनट में पहुंच जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो लेट्स एंजॉय 12 मिनट्स एंड क्या बोलने का यार, आग में नींद सामने ब्यूटी व्यू ले व्यू। इधर रुकता है और यहाँ से आगे जाना पड़ेगा अपने को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। ये स्टेशन है, बस स्टेशन, स्टेशन नंबर 8। पब्लिक भी उतर रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एक नंबर। यार जोएल सुगल रहा कोल्लाडा एंगन सलम अडीपुली अडीपुली ले देख सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उधर है। श्रीतु चाय कैसा लगा? ट्राई कर दो। अरे और भी थे ना। ऐसा बोलूंगा नहीं मैं। सो जस्ट हम लोग निकला अभी ब्रेकफास्ट करके। और ब्रेकफास्ट कैसा लगा था? कतई घटिया, घर से लेके आओ, यहाँ पे मत खाओ। और बहुत एक्सपेंसिव है इधर का फूड, लाइक ऑलमोस्ट लाइक सबको हम लोग 800 रुपीज हुआ इधर, 800 रुपया।
सिर्फ 15 लोग थे, 15 लोग थे, सिर्फ हम लोग पोहा खाए 800 रुपए। एडा निन्नोडा अंदाडा बारे अंदा എന്താണ് ധീരജ് പറയൂ, മൂത്രം ഒടിച്ചു? മൂത്രം കുടിച്ചിട്ടില്ല, മൂത്രം കുടിച്ചിട്ടില്ല, സെൻസർ ലഗാന പഡേഗാ 18+। സോ ഗൈസ് ഹം ലോഗ് ജംഗൽ സഫാരി കേ ലിയേ നിക്കൽ രഹേ അഭി। ഈ മീറ്റിംഗ് മേഡം में पहुंच चुका अभी जंगल सफारी में, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग लाइक कुछ मिनट्स के दूरी पे है बस में, लाइक 2 मिनट्स का ट्रैवलिंग था। टिकट्स का ऑलरेडी हम लोग बुकड है, देखते हैं अंदर। दो जन का वेट कर रहा है, 2 जन आने वाला है अभी दूसरे बस में। तो उन लोग आने के बाद हम लोग जाने वाला है जंगल सफारी के अंदर। ये है जंगल सफारी से पीछे एंट्रेंस है, यहाँ से मुझे आएगा देखते अंदर के नज़ारे। पेट जोन अलग से किए लोग नहीं थे जो है ऑफर में, तो वे भी है क्या? हाँ, पेट जोन, जंगल सफारी, रिवर फ्रंटिंग और रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग उसमें नहीं है, रिवर राफ्टिंग अलग से लेना पड़ेगा, 1000 रुपया देने का। ओके ओके, ये सब इसको सब सस्ते में चाहिए। 1% अवेलेबल। राफ्टिंग का मैं सुना कि नहीं है राफ्टिंग। 1000 रुपीज़ अलग से देना पड़ेगा, नहीं है जो अपना। नो, जंगल सफारी का 250 रुपए है, पेट जोन का 50 रुपीज है, 50 रुपीज है। और क्या, राफ्टिंग का अलग से? राफ्टिंग का अलग से। स्टैचू के अंदर भी आ सकता है? स्टैचू के अंदर वो कभी जाएगा? जाने का 4 to 6 बजे आने के ना। 4 to 6 क्या? अच्छा अच्छा, अलग से टाइम। और ये इसको बोल देना पर पर्सन अपना अपना देगा भाई। अच्छा अच्छा, राफ्टिंग का अलग से ना? हाँ, राफ्टिंग का पैसा ओन एक्सपेंसेस में है, नहीं तो ये टीम के एक्सपेंसेस में काउंट करता है। बहुत हरामी लड़का। सो गाइस, यही इधर का अपडेट, अब देखते आगे का। ये सब प्राइस वगैरह जंगल सफारी का प्राइस है, आप पॉज करके देख सकते हो। और ये लाइन में जा रहे हम लोग, अभी एंट्री है। तेरा नाम क्या है? विशाल। विशाल कहाँ से? मैं तो मुंबई से। और ये दर्शन? ये भी मुंबई से। ये मुंबई से है? ये राज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। जंग ये यही जंगल से मेलबर्न। हमें गुजरात से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। शर्म भी नहीं आई। 14-15 टूर गाइड। टूर गाइड है ये किरण, ना टूर गाइड है किरण। क्या अपडेट क्या? अभी ना मेरे को कुछ आइडिया नहीं। टूर गाइड ही है। वायलेट टबैको है। टबैको? वायलेट टबैको। टबैको क्या है? वायलेट टबैको, देखो वो देखो। अच्छा, टुराको? टुराको टुराको ये टबैको है, लीवी ने नाम दिया है वो। वॉलेट टबैको। सो वॉलेट टुराको बर्ड का नाम है। टुराको ही बोला मैं, टबैको ये बोला। अरे लीवी और मैंने नाम रखा है, मैं टुराको ही बोला। तो सुन प्रॉपरली, सुन कान खोल के। टबैको ये प्लीज डोंट, मैं टुराको बोला। ठीक है, प्लीज डोंट टच। रिंगटेल लेमूर है ये। लेमूर लेमूर टाइमूर 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 का भाई लेमूर। ये है चैनल बेल्ट टाउकान। पीको का लेंदो क्या बोल रहा है? किंगफिशर हो फिर देखा। एक नंबर मार रहे हो, एक नंबर वाला। और एक बार खा फोटोशूट भी चालू लोग। दो ही है ना? हाँ दो ही है। तो देख सकते हैं उधर है एशियाटिक, दो है ना उधर एशियाटिक लाइन। तो ये है सलोनी। सलोनी सलोनी कौन है? वो शेर जो है उसकी वाइफ का नाम है सलोनी। शेर का नाम क्या है? शेर का नाम कैसे? सलोना। सलोना बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं तो आएगा कहाँ से नाम। बहुत प्यारे है दोनों बड़े। आप सामने देखिए, लायन उड़ गया। शेर और शेरनी दोनों शांत बैठे हुए वहाँ पे। यहाँ पे आवाज दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुत्ते को बुला रहे हैं। बहुत अजीब ही है, इंसान बबलू को कुछ समझते ही नहीं है। इसको ही वहाँ पे फेंक देता हूँ, सब शेर दिख जाएंगे। नहीं नहीं, वो लाइमलाइट में आएगा, हुआ है ना? देखो देख देखिए। Thank you.
फैन फॉलोवर्स, फैन फॉलोवर्स। अरे लेपर्ड, लेपर्ड इधर, लेपर्ड है और जो जैगुआर है। आई पीछे से बोली चलो हमको दे हो, हमारा पिलर चाहिए। देखो धीरे धीरे निकल गया, चला भैया चला, हो गया। ये पैरट मीचू मीचू, मीचू मीचू। ये पैरट देख सकते हैं इधर, मैरली ब्रैली, एक पैरट का स्पीशीज है ये। सो हम लोग अभी बर्ड पार्क में है, फ्लेमिंगोस वो है इधर, पिकॉक्स है, फिर पैरट्स है, फुल जुरासिक पार्क का फीलिंग आ रहा है इधर। अब देख सकते हैं फ्लेमिंगोस ऊपर। हम लोग जंगल सफारी हम लोग कंप्लीट कर चुका है, सो अभी जाने वाले हम लोग फूड कोर्ट में ना। नहीं नहीं फूड कोर्ट नहीं, उधर फ्लावर वाला एक है ना, फ्लावर गार्डन। हाँ फ्लावर गार्डन, फ्लावर गार्डन है और बटरफ्लाई गार्डन भी है, बटरफ्लाई गार्डन। और सामने पेट वाला भी तो है, पेट जोन है, पेट जोन। हाँ पेट जोन है। एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट बीच में चार्जिंग खत्म हो गया तो मुझे ब्लॉक करने नहीं मिला। 20% चार्ज है, पता नहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए अगर बचेगा कि नहीं बचेगा चार्जिंग। सन बन हो गया है पूरा स्किन, बहुत गर्मी है इधर, बट पैसा वसूल है। अगर तुम गुजरात से नहीं हो तो तुम खाना थोड़ा घर से लेके आना। हाँ तुम लोग घर से कुछ लेके आ सकते हैं, घर से लाना ही बेटर होगा, वही बेटर है क्योंकि यहाँ पे इतना घूमना होता है तो उसके लिए घर से लाना और घर का खाना एकदम प्योर रहता है। स्नैक्स लेके आओ, स्नैक्स कैरी कर लो, पानी जरूर कैरी करना, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पानी मिलता है, पानी मिलता है सब जगह है, बट अपने पास बॉटल रहेगी तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे बॉटल्स तो मिल नहीं रही, बॉटल्स बहुत दूर दूर पे मिल रहे हैं, शॉप बहुत दूर दूर जगह पे, तो घूमना बहुत पड़ता है। सही बात है। वो देखो सामने बंदर बैठा है, वो आइसक्रीम देखे हम लोग पीछे पीछे आ रहा है। देखो 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 देखो। सो एट लास्ट फाइनली 4 बजे हम लोग हम आ गए फाइनली यहाँ अंदर आ चुका है। बहुत ही दिक्कत और बहुत ही सामना करी है हमने यहाँ पे 4 बजे पार करते हुए। कौन सा कठिनाई रे? बहुत कठिनाई है एक्चुअली, बहुत क्राउडेड प्लेस हो चुका है इधर, मतलब और हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं यहाँ पे, टायर्ड भी। हमने बीच में थोड़ा पावर नैप भी लिया, पावर नैप लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, लंबा हो गया, 1 घंटे का पावर नैप हुआ। हम लोग ग्रुप का गाइड है आफ्टर किरण, ये है गाइड, मेंटर है, मेंटर मेंटर है। बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पे, मतलब ओल्ड एज पीपल के लिए मेम बनी व्हील चेयर वगैरह रखा है ये। हाँ बहुत ही अच्छी चीज है ये, एक गुड, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। हाँ इधर ना बहुत फैसिलिटी सबको अच्छा प्रोवाइड किया है, बट फूड के मामले में, फूड के मामले में अभी तक डिसअपॉइंटमेंट, नॉट हैप्पी, बट फैसिलिटीज टॉप क्लास, बहुत अच्छी। सो आगे का व्यू तो दिखा दे अंदर, इधर कुट्टी जरन रॉबिन, 15 लोगों का इधर रॉबिन और ये वाला इधर इधर किसी को। अरे धीरज भाई, सरदार वल्लभ पटेल जी का स्टैचू, और मेरे साथ अकेले अभी फिलहाल के लिए, बाकी सब लोग आगे चले गए हैं। प्रॉपर एंट्री आगे है उधर, उसके ऊपर जाना, टॉप फ्लोर पे जाना, मतलब म्यूजियम में बोल रहा था, म्यूजियम भी है और ऊपर से भी व्यू है ऐसा बोल रहा है। देखते हैं अभी आगे का, जयपुर के महाराजा के साथ वो एक फोटो है, क्लिक है। ये जो देश है तेरा, ये वो बंधन है।